हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये देखिए, ये है सुबह का टाइम, मॉर्निंग का। मॉर्निंग का समय है तो वही मैं चिप्स तल रही हूँ जो मैंने बनाया था। तो वही मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मी चिप्स तलो, तो वही मैं तल रही हूँ। और फ्रेंड्स, चिप्स का असली जो मज़ा है ना खाने का, तो वो मुझे मेरी मतलब जो वो है तो सोचे जो चाय के साथ ही आता है, क्योंकि हमें चाय के साथ ही अच्छा लगता है। चिप्स मेरे घर में सभी फिर चाय के साथ ही चिप्स खाते हैं फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी नाश्ता कर लीजिए। और आज हमारे नाश्ते में यही है, चिप्स और चाय है। और मैं नाश्ता भी मैंने कुछ बनाया है पर अभी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत दिन के वीडियो हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो उतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ और सभी वीडियो में नहीं बना पाती हूँ। तो चलिए हम अपना नाश्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं। और ये देख फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये चिप्स ना मैं कहूँ सही तो ये तीन ही बार हुआ है, तीन बार में ही ये पूरे चिप्स ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि ये मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है और इनके पापा को भी, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये चिप्स। मैं नहा धोकर, और ये है रात का, मैं रात के समय आपसे मिल रही हूँ। और ये जो मेरी इसको क्या बोलते हैं, इसको घोलने वाला जो था डंडी का, तो टूट गया है और इसमें गिर गया है। तो ये देखिए, ये मेरी बन रही है इमली की चटनी। फ्रेंड्स, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं पहली बार ही बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरा मतलब जो प्लान था ना, वो आज बड़े बनाने का प्लान था। जैसे मैंने कि मोबाइलों में देखा है सभी यहाँ, और कई सिस्टरें बनाती हैं जो मेरी फ्रेंड्स हैं, तो उसी की तरह मैंने सोचा बनाऊं। क्योंकि हम लोग के जो विलेज लाइफ एंड फ्रेंड्स है, गांव के जो बड़े बनते हैं वो चपटे वाले बनते, जैसे चपटे चपटे होते हैं गोल गोल से, वो वाले बनते हैं, और ये वाले नहीं बनते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको बना के देखूं, कुछ नया टेस्ट होगा, नया खाने में अच्छा लगेगा। तो चलिए हम बनाते हैं। और मैंने उड़द दाल को अच्छी तरह मिक्सर में पीस लिया है, अच्छे से फेंट लिया फ्रेंड्स। और ये मैंने दही थी, तो ये मेरी बाजार की दही थी फ्रेंड्स, तो ये इतनी पतली है ना कि अब मैं क्या बताऊँ, ये चपक ही नहीं रही थी बड़े में, तो इसके मतलब मैं नहीं जानती क्या करूँ इसका। और फ्रेंड्स, मैंने ये चटनी भी बना ली है, हरी धनिया पत्ती के, लहसुन अदरक मिर्ची सभी चीज़ें डालकर, और सभी चीज़ें मैं बना कर रख लूँगी, तभी फिर बड़े बनाऊँगी, नहीं तो फिर बड़े जैसे ठंडे भी हो जाएंगे, और बड़े ठंडे ही अच्छे लगते हैं वैसे वाले। तो चलिए हम बना लेते हैं। और मेरे ये रिफाइंड तेल ख़त्म हो गया था फ्रेंड्स, तो मैं इसी को पैकेट को खोल कर डाल लूँगी, और मैं और बाकी जो है डब्बे में भर लूँगी। तो चलिए हम अपना बना लेते हैं बड़े। और फ्रेंड्स, ये बड़े आज हम पहली बार बना रही हूँ, और जैसे कि हम लोग नहीं खाए हैं पहले ये सभी ये वाले बड़े, तो देखते हैं क्या टेस्ट आता है, क्या होता है। क्योंकि कुछ भी नई चीज़ ना खाने से पहले, मतलब खाने से जैसे हमारा जो शुरू का जो टेस्ट रहता है, जैसे हमारी माँ जैसे बनाकर खिलाती हैं, तो वैसा ही मुंह में लगा रहता है, कि वैसा ही हमको अच्छा लगता है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा वैसे ही बना रही हूँ, तो चलिए बना लेते हैं। और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, जो पेस्ट है इसका, तो देखते हैं, फेंट लिया है। और इसको मैं थोड़ा सा पानी में डालकर देखूंगी कि मतलब ये ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर आ रहा है, तो हम चलिए इसको कर लेते हैं, अब बना लेते हैं बड़े। और आप कैसे बड़े बना? और फ्रेंड्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरा थोड़ा सा वीडियो वॉच करते हैं फ्रेंड्स, तो मैं उनको धन्यवाद बोलती हूँ। और ये देखिए, ये बड़ा जो है ना, तो मैंने उसको अच्छे से फेंट दिया है, तो वो ऊपर आ गया है। अब उसको हम अब डाल देंगे, पूरा तैयार हो चुका है, और उसमें नमक मैंने डाल दिया है फ्रेंड्स। ये बहुत फूल रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मैं आपसे सही बता रही हूँ, बहुत ही मतलब अच्छे देखने में मेरे को अच्छे लग रहे थे। पर मैंने आपको बताया कि जो मेरे जो हस्बैंड है, जो मेरे बच्चे हैं, मैंने जैसे बचपन में खाया है, तो वैसा ही हम लोग को अच्छा लगता है। और ये वाले बड़े मुझे किसी ने वैसे नहीं खाया है, बस इसके पापा वाले थोड़ा सा खाए हैं चटनी में,
तो इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, तो फ्रेंड्स जितने बनाए थे वो सभी मतलब उठ गए थे, और सब जैसे दही डालकर इमली की चटनी, किसी ने मतलब खटाई बोला कि हम लोग खटाई नहीं खाएंगे, तो मेरी इमली की चटनी और मेरी दही जो है तो वैसे की वैसे रखी रह गई थी, और चटनी बस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मैं ही खाई थी क्योंकि मुझे इमली थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, मैंने इमली चटनी में खा ली थी, और चटनी वैसे अच्छी ही बनी थी फ्रेंड्स, और इनको बड़े के साथ अच्छी नहीं लग रही थी, तो ये लोग ऐसे सिंपल सा बड़े ही खाए हैं चटनी के साथ, और ये देखिए फ्रेंड्स हम लोग तो बड़े बन गए हैं, तो आइए आप भी खा लीजिए। तो चलिए हम और दोबारा भी निकाल लेते हैं, और ये दो बार ही निकला है, तो ये जो मेरा पेस्ट है ना ये उड़द दाल का ये ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैं मेरे को मालूम था कि अगर नहीं पसंद आएगा तो फिर ख़राब चला जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो चलिए हम बड़े आज हम बड़े उसमें से बनाए हैं, और देखिए अब आज जैसे कुछ भी नया चीज़ ट्राई करने में डर भी लगता है और थोड़ा सा उत्सुकता भी होती है कि चलिए बनाते हैं कैसा लगता है कैसा लगता है, क्योंकि मोबाइल में तो देखने में सभी चीज़ें अच्छी ही लगती हैं। तो हमारे लिए तो ये थोड़ा सा 100 में से 50 नंबर ही मैं दूंगी इसको, या फिर 10 में से 5-6 नंबर, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आया, मेरे वही विलेज स्टाइल में जो बनते हैं बड़े ना वही मुझे अच्छे लगते हैं, चपटे चपटे और अच्छे लाल लाल जो सीके रहते हैं, और खर और ये दही में भीगे हुए बड़े मैं नहीं खाती हूँ, ये देख फ्रेंड्स, तो आइए आप भी खा लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स ये है सुबह का टाइम, तो गुड मॉर्निंग, और मैं सुबह अपने जो टिफिन बनाने की तैयारी है वो मैं कर रही हूँ, तो चलिए मैं अपना किचन है जो थोड़ा सा हल्का फुल्का ही सही साफ कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी, और फिर जो डीप क्लीनिंग है ना फ्रेंड्स तो मैं बाद में ही करूँगी जब किचन का पूरा काम ख़त्म हो जाता है, जैसे नाश्ता बन जाता है ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद जैसे पूरे रूम पोछा लगेगा तो यहाँ भी फिर पूरा क्लीन होगा, तो अभी जल्दी जल्दी कुछ में ना मुझे अच्छे से सफाई यहाँ नहीं करने को मतलब मिलती है, बस मैं गैस से ही साफ़ करती हूँ जो रैक है। तो चलिए हम कर लेते हैं, और एक तरफ हम अपने जो चाय है, इनके पापा काली चाय पीते हैं गुड़ की चाय, तो उनके लिए चाय चढ़ा दूँगी, और फिर एक तरफ मैं चढ़ाऊँगी दलिया, तो दलिया भी पक जाएगी धीरे धीरे फ्रेंड्स, और मेरी जो चाय है बन जाएगी। तो चलिए हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं, और फिर जो आज मैं करेले की सब्जी ही बनाऊंगी भुंजे, क्योंकि बहुत दिन से रखी थी फ्रेंड्स, तो वैसे और अभी फ़िलहाल फ्रेंड्स ये त्योहारों की जो भाग दौड़ है ना, साफ सफाई घर का काम है, तो अभी कुछ दिन से अभी बंद है, और अभी 10-15 दिन का ही मतलब गैप है, फिर उसके बाद अपने जो नवरात्रि हैं जो चैत वाली, तो उनके मतलब पूजा पाठ और घर की साफ सफाई में हो जाएगा फ्रेंड्स काम, मतलब लग जाएगा। और गर्म पानी फ्रेंड्स मैं गंजी में रख दूंगी, और ये गंजी में जैसे ना सभी बच्चे भी पीते हैं, मैं भी पीती हूँ, और इनके पापा भी पीते हैं, और अपने बाटल में भर कर रख जाते हैं, तो भर कर ले जाते हैं, इसलिए इतना सारा पानी गर्म सवेरे से कर लेती हूँ, तो सभी के काम आ जाता है धीरे धीरे। तो चलिए हमारी जो चाय है तो बन गई है, और जो दलिया है तो धीरे धीरे पकेगी, और मैं जो मेरा जो अगला काम है फ्रेंड्स मैं जो सब्जी काटना वो काट लेती हूँ, तो मैं इसमें चाय में अदरक कूट के डाल दी थी। और करेले को मैं अच्छे से धो लूँगी, और फ्रेंड्स अभी जैसे सुबह टिफिन में बनाओ ना करेला, तो वही काट कर धो मतलब नमक लगा कर रखने का टाइम ही नहीं रहता है, तो चलिए हम वैसे ही मैं बना लेती हूँ फ्रेंड्स, और उतना कड़वा नहीं लगता है फिर भी अच्छा ही लगता है, तो चलिए और करेला कड़वा न हो तो फिर किस बात की फिर फ्रेंड्स, ये करेले की सब्जी और कड़वा ही अच्छा लगता है हमको। तो चलिए और हम इनके पापा का टिफिन लगा देते हैं फ्रेंड्स, चलिए लगा। और कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलूँगी एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।